नमस्कार दर्शकों, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पत्नी से हुआ झगड़ा तो बेटे की हत्या कर गला काटा। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा से सामने सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 9 साल की बेटी को गला घोटकर हत्या करने और गला काटने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पत्नी से हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी मोहम्मद इकबाल खटानक ने अपनी पत्नी नगीमा बेगम के साथ पिछले एक साल से संबंध तनावपूर्ण थे और वे अक्सर झगड़ते थे। अधिकारी ने कहा, अपराध वाले दिन पेशे से टैक्सी चालक खटाना की अपनी पत्नी से सुबह तिखी नोकझोंक हुई। शाम को कान से लौटने के बाद उसने आत्महत्या करने की नीयत से चाकू उठा लिया। ऐसे दिया वारदात को अंजाम। अधिकारी ने कहा कि जब आरोपी पंक्चर टायर ठीक कराने के बहाने घर से निकल रहा था तो उसकी बेटी उजमा ने उसके 5 रुपए मांगे। मोहम्मद खटाना ने उसे 10 रुपए का नोट दिया। उसकी पत्नी उसके पीछे पीछे आंगन तक गई। हालांकि उजमा अपने पिता के पीछे पीछे मुख्य सड़क तक गई। उन्होंने कहा कि लड़की की माँ सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने समझा कि उजमा अपने पिता के साथ गई है। अधिकारी ने वहाँ खटाना ने उजमा को अपने वाहन में बिठा लिया और 1 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाता रहा तथा उसने सड़क के सुनसान होने का इंतजार किया ताकि वह खुद को मार सके। उन्होंने कहा, जैसे ही लोग तरावी के लिए निकले वैसे ही उसने एक जगह अपना वाहन रोका। वहां उसने लगभग 2 से 3 मिनट तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने खुद पहुंचा पुलिस चौकी। अधिकारी ने कहा, इसके बाद आरोपी अपने घर चला गया और अपनी बेटी के शव को बगल में लकड़ी के बने अपने चाचा के घर में ले गया। उन्होंने कहा, फिर उसने चाकू से उसका गला काट दिया ताकि दोष बगल के घरों में रहने वाले पर पड़े। अधिकारी ने कहा कि उसके बाद आरोपी घर लौट आया जहां उजमा को उसके साथ नहीं देखकर परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया। उन्होंने कहा कि इसके बाद आरोपी कुछ अन्य लोगों के साथ उजमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने वाहन में बुरहामा पुलिस चौकी गया। परिवारजन को नशीला पदार्थ देकर छात्रा को ले गया शोधा। प्रेम डाल में फंसा कर बना रहा था अरमान अली नाबालिग छात्रा पर ममता तरण का दबाव बना रहा था। छात्रा को बुलाकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। छात्रा के परिवारजन के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। छात्रा के परिवारजन अचेत हो गए तो तकदी और जेवर लेकर छात्रा को अपने साथ लेकर चला गया। पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। छात्रा के पिता ने आरोपी पर आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा भी बरामद हो गई है। इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्र के मुताबिक छात्रा 12वीं में पढ़ती है। आरोपी अरमान अली रजनीखंड का है। उसने बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया। अरमान ने बेटी के साथ 2 बार गलत हरकत करने की कोशिश की। जानकारी होने पर उसे डपटा। इसके बाद भी उसने बेटी से मिलना बंद नहीं किया। बेटी पर ममता तरण का दबाव बना रहा था। पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। छात्रा के पिता ने आरोपी पर आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा भी बरामद हो गई है। इंस्पेक्टर अजय प्रकाश मिश्र के मुताबिक छात्रा 12वीं में पढ़ती है। आरोपी अरमान अली रजनीखंड का है। उसने बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया। अरमान ने बेटी के साथ 2 बार गलत हरकत करने की कोशिश की। जानकारी होने पर उसे डपटा। इसके बाद भी उसने बेटी से मिलना बंद नहीं किया। बेटी पर ममता तरण का दबाव बना रहा था। तकदी जेवर लेकर फरार। नाबालिग बेटी को विश्वास में लेकर अरमान ने 31 मार्च की रात बेटी के साथ मिलकर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। घर के सभी लोग अचेत हो गए थे। वह अलमारी में रखी 20,000 नकदी, करीब 1 लाख के जेवर और बेटी को अपने साथ लेकर चला गया। आग खुलने पर देखा कि अलमारी का सामान अस्त व्यस्त था। पिता ने बताया कि उन्हें आशंका है कि अरमान अपने घर वालों की मिलीभगत से बेटी का ममता तरण कराकर निकाह कर लेगा। उसने पहले धमकी दी थी गुड्स बाइट से, लगाता था घर के चक्कर। छात्रा के पिता ने बताया कि अरमान गाड़ियों का काम करता था। वह घर के बाहर अक्सर नई स्पोर्ट बाइक लेकर चक्कर लगाता था। कई बार उसकी इस हरकत का विरोध भी किया पर वह मानता नहीं था, धमकी देता था। टक्कर लगने के बाद कार के नीचे आया बाइक सवार कपल, फिर वह चमत्कार और ऐसे बच गई जान। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन्हें लोग चमत्कार से कम नहीं मानते। आपने भी कई ऐसी घटनाएं देखी होगी जिनमें भयानक हादसों में भी किसी को हानि नहीं पहुंचती। इसे लोग चमत्कार से कम नहीं मानते।
कई बार भयानक एक्सीडेंट में भी कुछ लोगों को खरोंच तक नहीं आती। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कार ने मारी बाइक को टक्कर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बार एक बाइक पर कपल जा रहा है। यह वीडियो बेंगलुरु चेन्नई हाईवे का बताया जा रहा है। वीडियो देख पता चल रहा है कि यह घटना 2019 की है, लेकिन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल बाइक को पीछे से आ रही एक कार टक्कर मार देती है। कार के नीचे आया कपल। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार से टक्कर लगने के बाद कपल नीचे गिर जाता है और टक्कर मारने वाली कार के नीचे फंस जाता है। महिला आगे के दोनों टायरों के बीच फंस जाती है तो बाइक सवार शख्स फिसल कर पीछे वाले टायरों के बीच में आ जाता है। कार ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है। आई मामूली खरोचे। इस वीडियो को ट्विटर पर नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो को अब तक 51,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि इस दुर्घटना में कपल को बहुत चोट आई होगी, लेकिन कार सवार लोगों ने कपल को तुरंत कार के नीचे से निकाला। दोनों सुरक्षित थे और वीडियो के अनुसार उन्हें मामूली चोट आई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज TV पर। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।